नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जिले में किए गए लॉकडाउन सहित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकान संचालकों सहित आम जनता द्वारा किस प्रकार किया जा रहा है, इसका निरीक्षण करने मंगलवार की दोपहर कलेक्टर बसंत कोरे, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्पित वर्मा, नगर निगम उपायुक्त निधि सिंह पुलिस बल के साथ निकले। इस दौरान अधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से बाजारों का भ्रमण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा कई दुकान संचालकों सहित मेडिकल स्टोर संचालकों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश दिए गए। मेडिकल वालों तो इतने तो खुद से सेंस होना चाहिए ना। आप ही लोग नहीं करोगे तो जनता को क्या बताएंगे। आप से तो मास्क खरीदने आते आदमी, आपको नहीं पता है कि दुनिया में महामारी फैल रही है। ये आपको अलग से न्यूज फ्लैश कर रहे हैं। एक मास्क अपने लिए भी अच्छा लगा लो, सब बेचते ही रहोगे क्या। नगर भ्रमण के दौरान कलेक्टर सहित प्रशासनिक टीम जब अमैया स्थित गोस्वामी नर्सिंग होम पहुंची तो पाया कि यहाँ न ही लॉकडाउन का पालन हो रहा और न ही सोशल डिस्टेंस, जिसके बाद सभी प्रशासनिक अधिकारी सीधे गोस्वामी नर्सिंग होम पहुंचे और संचालक को बाहर बुलाते हुए नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा ने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं कर पाते तो इसे बंद कर दो। कलेक्टर और प्रशासनिक अमला शहर के मुख्य मार्गों सहित शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा, सिंधी चौराहा, सिरमौर चौराहा, बस स्टैंड सहित दुकानों, शॉपिंग मॉल का निरीक्षण किया। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर रीवा पुलिस द्वारा कई दुकान संचालकों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है। इस दौरान जो दुकान संचालक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए मास्क लगाकर दुकान का संचालन नहीं कर रहे थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। नहीं लगाए।
ना कस्टमर लगाया है ना दुकानदार लगा बताइए बिना मास्क घूम रहे हम लोग। अरे मास्क तो बहुत बोलो मास्क पुलिस आ रही है हम निकाल लेंगे। जब्त करिए गाड़ी वाली सब ले चलिए थाने। वो भी लगा रहा वो भी नाश्ता कर रहा तू भी पूरी दुकान नाश्ता कर रही। चलो चलो एक बार में ना सर नहीं नहीं प्लीज मानिए बात को बाहर आइए कौन सी दुकान किस नाम से यहाँ पर आइए आइए। कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा है कि जिस दुकान संचालक या व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासनिक और पुलिस टीम के एक साथ शहर में भ्रमण पर निकले की जानकारी जैसे ही व्यापारियों को हुई तो कई दुकान संचालक दुकान के शटर गिराते नजर आए। हालांकि प्रशासनिक अमले के वहां से गुजरने के बाद नियमों को ताक पर रखकर दुकानें वापस शुरू कर दी गई है। आप जानते हैं कि लॉकडाउन जो है 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और जो रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन है उनमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन निर्धारित की है। गाइडलाइन के अनुसार गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं और इसके तारतम में दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी खोले गए हैं। जनता को असुविधा ना हो इसलिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग मास्क पहने और कोरोना वायरस ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया। लॉकडाउन और कोरोना वायरस का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये लोग अपने ध्यान में अपने जहन में बैठा लें तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लॉकडाउन के हटाने या ना हटाने से कोरोना वायरस का असर कम नहीं हो जाता और ये ज़रूरी है कि कोरोना वायरस एक हमारे जो आम जीवन में इस तरह से आया है हमें इस बात को समझना चाहिए। सैनिटाइज करते रहें अपने आप को साबुन पानी से हाथ धोते रहें मास्क लगाएं और जब भी किसी से मिले तो 2 गज की दूरी बनाए रहें और ये जो चीज़ें हैं हमें अपने आम जीवन में अब इसको डालना पड़ेगा तभी हम इस वायरस के प्रकोप से बच पाएंगे और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आज जो है बाज़ार में हम लोग गए और वहाँ देखा कि कई दुकानदार मास्क वगैरह नहीं लगाए हैं। दुकानों में भी कुछ भीड़ थी उनको समझाइश दी गई है क्योंकि अभी पहला गुस्सा दिन ही है हो सकता है कि लोग अभी अभ्यस्त नहीं हो। इसी तारतम में नर्सिंग होम में गोस्वामी नर्सिंग होम वहाँ भी गए वहाँ भी काफ़ी पेशेंट्स को भी काफ़ी आ रहे हैं सीजन चेंज हो रहा है काफ़ी भीड़ थी तो हॉस्पिटल में भी समझाइश दी गई है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएँ क्योंकि डॉक्टर्स अंदर बिजी रहते हैं और बाहर उनके अपॉइंटमेंट्स या मीटिंग के असिस्टेंट रहते हैं उसको नहीं दी गई उनको भी समझाइश दी गई है क्योंकि अपने जहाँ भीड़ भरे नर्सिंग होम है हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।